तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल का एक इंटरनेशनल ODI मुकाबला खेला जाएगा, तो उसका मैच में थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उस मैच में थोड़ा बात करेंगे क्या रहेगी टीम, क्या रहेगी प्लेयर स्टेट, वो सब इसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो एक अच्छा मैच हो सकता है आपके लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में ODI मैच चलेगा, तो कल दोपहर को आई थिंक खेला जाएगा। तो उस मैच के बाद में थोड़ा एनालिसिस करने आएगा मैं। तो वैसे यहाँ पे देख लो, इस मैच में आपको फ्री एंट्री मिल सकता है, अगर आप ही ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे, तब तक के लिए फ्री एंट्री ज्वाइन होने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए यहाँ पे हेड टू हेड लीग है, हेड टू हेड लीग आप ज्वाइन करके आसानी से आप अमाउंट विन कर सकते हो। और आई थिंक सुबह ऐड हो जाएंगे ग्रैंड लीग प्लस प्री लीग ऐड हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो तब तक के लिए वेट करो गाइस, और यहाँ पे आप फ्री एंट्री ज्वाइन करो बाद में, उसके पहले यहाँ पे हेड टू हेड आप ज्वाइन करके आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो में बात करेंगे प्लेयर स्टैट देखेंगे, प्लेयर स्टैट देखने के बाद थोड़ा प्लेयर के स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस है वो सब देख लेंगे। वो सब देखने के बाद मेरा फाइनल टीम आपको दिखाऊंगा, मेरा फाइनल टीम कैसा है उसको मैं बाद में करूँगा। तो चलो गाइस, पहले देखते हैं धोनी को कुछ प्लेयर के स्टैट्स। तो गाइस आप देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बांग्लादेश के प्लेयर के रिकॉर्ड, उनका कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं लास्ट 2-3 मैच में, कैसा परफॉर्मेंस है उनका, वो थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले आ जाए पे कैप्टन बाबर आजम, पिछले मैच 32 रन बनाया गया था, उससे पहले 53, फिर 25, 6 रन, 4-4 एहसान का रिकॉर्ड है, ये सिर्फ ODI का रिकॉर्ड है, तो इसको ध्यान रखना आप। अच्छा प्लेयर है भी, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, ओपनिंग करना आता है तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा रन बना के आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं पे साउथ शकील, ये T20 का है आई थिंक, पिछले मैच 18 रन, उससे पहले 22, 43, 44, 13, 20, 70 एहसान का रिकॉर्ड है, अच्छा प्लेयर है भी, देख लो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा खासा बैटिंग करके आपको अमाउंट गेन कर सकते हैं। स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो। फखर जमान, पिछले मैच 7 रन, उससे पहले 32, 52, 20, 0, 13 एहसान का रिकॉर्ड है, ये भी अच्छे प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं, तो इनका भी जरूर ट्राई करना, अगर खेलेगा तो जरूर ट्राई करना, अच्छा पिक बन सकते हैं ये भी आपको लिए। सरफराज अहमद, थोड़ा नीचे बैटिंग करने आता है तो उनका रिसेंट परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं, पर उनका टेस्ट बढ़िया खेल के आए थे टेस्ट में, तो उसको ध्यान में रखते हैं आप पिक कर सकते हैं उनको, या आपको पिक नहीं करना चाहते तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हो। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जाहिद मोहम्मद, आई थिंक ये बॉलर है, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 4, उससे पहले 1, उससे पहले 2 विकेट एहसान का रिकॉर्ड है, तो ये भी अच्छे बॉलर बन सकते हैं, तो देख लो इनको भी आप ग्रैंड लीग में अच्छा खासा ट्राई करके ग्रैंड लीग में आप और स्मॉल भी पिक कर सकते हो। अब्दुल शफीक बहुत बड़ा प्लेयर है, खेलेगा जरूर ट्राई करना, मैं इनका बैटिंग दिखाऊँ, टेस्ट में भी बैटिंग अच्छा करके आ रहा हो, T20 में अच्छा बैटिंग बैट्समैन है, भी T20 भी अच्छा करता है, तो ODI में भी ऑब्वियसली अच्छा करता है, तो देख लो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, भी ट्राई कर सकते हो, अगर मैं खेलता तो मैं इनको ज़रूर ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर शफीक का रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 0, उससे पहले 19, 4, 33 एहसान का रिकॉर्ड है, तो अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। आगा सलमान, पिछले मैच 1 रन, उससे पहले 33, 7 एहसान का रिकॉर्ड है, और बॉलिंग भी करता है तो वहाँ पर भी विकेट ले जा सकता है, पिछले मैच 1 रन, उससे पहले 0 विकेट, और उससे पहले 1 मैच 2 विकेट ले जाता है, अच्छा ये प्लेयर ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आ सकता है, तो खेलेगा तो उसको जरूर ट्राई करना, ये भी अच्छे पिक बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे शहबाज धानी, ये भी अच्छे बॉलर है, पिछले मैच 1 रन, उससे पहले 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, तो ODI में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आते हैं ये भी, तो उनको भी जरूर ट्राई करना, अगर खेलता है तो विकेट टेकर बहुत बन सकते हैं, एक अच्छे विकेट टेकर बहुत है भी। हसन अली, पिछले मैच 12 रन, 22, 33, 55 एहसान का रिकॉर्ड है बैटिंग से, और बॉलिंग से पिछले में 1 मैच विकेट नहीं लेकर था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, और उससे पहले 1 विकेट, प्लेयर अच्छा है, विकेट टेकर बहुत है, हर मैच विकेट लेकर था, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पे नुमान अली, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, एक स्पिन बॉलर है, अच्छा खासा बॉलिंग करके आ सकता है, तो देख लो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो उनको, वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। कमरन कुमार, एक नया बैट्समैन है भी, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, खेलेगा जरूर ट्राई करना, देख लो यहाँ पे पिछले मैच 118 रन, उससे पहले 92, 98, 4 रन, 123, तो लास्ट 5 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आया, 4 मैच में, और 1 मैच फ्लॉप हुआ था, अगर खेलता तो जरूर ट्राई करना, बहुत बड़ा बैटिंग करके आ सकता है इनको ग्रैंड लीग में, और स्मॉल लीग में आप इनको रिस्क लेके पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मोहम्मद नवाज, पिछले मैच 10 रन, उससे पहले 20 रन, 5 रन बनाए गए थे, और बॉलिंग में पिछले मैच विकेट नहीं ले गए थे, पर उससे पहले मैच 1 विकेट ले गया था, प्लेयर अच्छा है, विकेट टेकर बॉलर है, स्पिन बॉलर, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद वासिम जूनियर, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 2 मैच विकेट नहीं ले गया था, उससे पहले 1 विकेट, प्लेयर अच्छा है भी, बॉलिंग से विकेट ले गया था, तो देख लो इनको भी ट्राई कर सकते हो आप।
आबर अहमद टेस्ट में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस कर गया था और ओडीआई में भी अच्छा रिकॉर्ड है इनका। पिछले 4 मैच एक एक विकेट ले गया था, उससे पहले 3 विकेट 2 विकेट, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। अच्छा बैट्समैन है, सॉरी अच्छा बॉलर है भी, तो अगर खेलता है तो मैं इनको ज़रूर ट्राई करूँगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नसीम शाह। नसीम शाह भी एक अच्छे बॉलर हैं, पिछले मैच में लगातार लास्ट 4 मैच से विकेट ही नहीं लेकर आए, पर टेस्ट में विकेट लेके आए थे, तो उसको थोड़ा मद्देनजर रखते हुए मैं इनको पिक करना चाहूँगा। प्लेयर अच्छा है, बहुत बड़ा तेज गेंदबाज और मुझे लग रहा है इस मैच में विकेट लेके आ सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे तो गाइस नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे शान मसूद। ये भी एक अच्छे बॉलर है शान मसूद, पिछले मैच में 38 रन बनाया गया था, उससे पहले 3 रन, उससे पहले 24, 2 रन, 12 ऐसा रन का रिकॉर्ड है। अच्छे बैट्समैन ये भी, अगर खेलता है तो जरूर ट्राई करना, एक अच्छे पिक बन सकते हैं ये भी। और नेक्स्ट इमाम उल हक, ये भी ओपनिंग बैट्समैन है, टेस्ट में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आए थे, पर ओडीआई में पिछले मैच 6 रन, उससे पहले 2 रन, 62, 72, 65, 89 ऐसा रन का रिकॉर्ड है। अच्छे बैट्समैन ये भी, अच्छा खासा बैटिंग करके आता है, तो अगर ये भी खेलता है तो मैं इनको भी ज़रूर ट्राई करूँगा। और हर्ष सोहिल बहुत देर के बाद खेल सकता है, खेलेगा तो ये भी अच्छा बॉलर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, तो अगर ये भी खेलता है तो मैं इनको भी ग्रैंडली में ट्राई कर सकता हूँ। और लास्ट है मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर बैट्समैन, पिछले मैच 15 रन, 57, 32, 4, 49 इस रन का रिकॉर्ड है, तो ये भी एक अच्छे बैट्समैन बन सकती है। तो आप देख लेते हैं न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर रिकॉर्ड, तो उसमें पहले आते हैं आप अजस पटेल, बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है, पिछले मैच 3 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, टेस्ट में भी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आए थे, तो अगर ये खेलता है तो ओडीआई में तो मैं इनको जरूर ट्राई करूँगा, एक बहुत बड़ा बॉलर है भी। टॉम नैथम, पिछले मैच 35 रन, उससे पहले 7 रन, 17 रन, और इंडिया के खिलाफ 145 रन बनाए के भी आया था, तो ये भी अच्छे बैट्समैन है टॉम नैथम, तो इनको भी मैं जरूर ट्राई करूँगा अगर खेलता है तो। नेक्स्ट आता है अभी मैट हेनरी, पिछले 2 मैच में 2-2 विकेट ले गया था, उससे पहले मैच 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट ले गया था, तो ये भी अच्छे बॉलर है और बैटिंग भी कल कहते हैं अच्छे खिलाफ, तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते यहाँ पे टीम्स होते हैं, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, ऐसा करके रिकॉर्ड है। अच्छे बॉलर है, अच्छा खासा बैटिंग बॉलिंग करके आता है, तो इनको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते यहाँ पे डिवन कॉनवे, पिछले मैच 35 रन बनाया गया था, उससे पहले 38, उससे पहले बैटिंग नहीं होती, 24, 59, 21 ऐसा करके रिकॉर्ड है। 20-25 रन तो आसानी से बना के आ सकता है, तो इनको जरूर ट्राई करना, और मस्ट पिक बोलूँगा मैं स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में भी इनको। नेक्स्ट माइकल ब्रेसवेल, बहुत बड़ा रिस्की पिक हो सकता है, और बैटिंग भी बॉलिंग भी अच्छा खासा करके था, तो मैं इनको जरूर ट्राई करूँगा अगर खेलता है तो। इनका रिकॉर्ड में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, पर प्लेयर अच्छा है मुझे लग रहा है, इनका मैं बैटिंग और इनका बॉलिंग दिखाऊँ मैं, और बहुत बड़ा बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, तो मुझे लग रहा है विकेट लेके आ सकता है, तो उसकी वजह से मैं इनको जरूर पिक करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे लूँगा मैं हेनरी निकोलस, ये भी प्लेयर अच्छा है, पिछले मैच 19 रन, उससे पहले 5, 40, 23, 79 ऐसा का रिकॉर्ड है। अच्छे बैट्समैन है, खेलेगा तो उनको मुझे जरूर ट्राई करूँगा। नेल वैगनर, बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच 5 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट ले गया था, सिर्फ 3 मैच खेले और 3 ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आया, तो मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा अगर खेलता है तो, मैं इनको भी जरूर ट्राई करूँगा। केन विलियमसन कैप्टन, पिछले मैच 0 पर आउट हुआ था, उससे पहले 94, 61, 46, 61, 40, लगातार 5 मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके आ रहा है केन विलियमसन, तो इस मैच में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आ सकता है, तो इसकी वजह से मैं इनको जरूर पिक करूंगा स्मॉल लीग में। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टॉम मंडल, पिछले मैच 49, उससे पहले 13, उससे पहले मैच 58 रन बनाया गया था, प्लेयर अच्छा है, ग्रैंड में आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे विल लिंग, पिछले मैच 15, उससे पहले 28, 0, 37, 7 ऐसा का रिकॉर्ड है, तो बैट्समैन बहुत बड़ा है, कभी भी चल सकता है और कभी भी फ्लॉप हो सकता है, तो रिस्क लेके आप इनको पिक कर सकते हो। ग्लेन फिलिप्स, प्लेयर अच्छा है, पिछले मैच 0 पर आउट होता है, उससे पहले 34 रन, और 3 मैच बैटिंग नहीं आई थी, और उससे पहले 54, 12 रन बनाया गया था, और ये ओडीआई में तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो उनको ट्राई कर सकते हो, एक बॉलर के तौर पर आप ऑलराउंडर बोल सकते हो इनको, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा कर लेता है, तो इनको भी आप जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट ईश चौधरी, बहुत बड़ा स्पिन बॉलर है, पिछले मैच विकेट नहीं लेकर था, उससे पहले 3 विकेट, उससे पहले 3 मैच 1 विकेट, 1 तो विकेट लेके आया था, तो उनको जरूर ट्राई करना रैली में, और स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन आप इनको कर सकते हो। और नेक्स्ट आते हैं पे ड्रेन मिचेल, पिछले मैच इन्होंने बैटिंग से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, इनका सिर्फ 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस है, और बॉलिंग करता है, तो वहाँ पर भी आपको विकेट लेके आ सकता है, तो उनको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे ब्लेयर टिकनर,
ब्लेयर टिकनर पिछले मैच दो मैच एक एक विकेट, उससे पहले दो मैच तीन तीन विकेट लेके आया था, उससे पहले एक विकेट। प्लेयर अच्छा है, विकेट टेकर बॉलर है, हर मैच एक विकेट लेके आता है, तो इनको इनको भी आप पिक कर सकते हो, एक अच्छे बॉलर बन सकते हो। तो अगर आप देख लेते हैं प्लेयर इस स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके रहे, तो वो थोड़ा स्कोर कार्ड देख लेते हैं यहाँ पे, तो रिकॉर्ड देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब्दुल शफीक के यहाँ पे PSL का था, पाँच मैच 149 रन बनाया गया था, 44 का हाई स्कोर है। आगा सलमान तीन मैच 24 रन, बाबर आजम दो मैच 146 रन बनाया गया है, 159 का हाई स्कोर है। फकर जमन दो मैच 130 रन, 76 का हाई स्कोर है। और नेक्स्ट यहाँ पे हर्ष रोहित दो मैच 97 रन, 96 रन, 56 का हाई स्कोर है। और यहाँ पे इमाम उल्लाह 10 मैच 312 रन PSL में, और ODI में सिर्फ 31 रन बनाया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ T20 का रिकॉर्ड है, T20 PSL वही रिकॉर्ड है, ODI में कोई रिकॉर्ड नहीं। यहाँ पे मोहम्मद रिजवान का भी अच्छा रिकॉर्ड है ODI में PSL में। और यहाँ पे सरफराज अहमद ODI में खेला था, 7 मैच 57 रन बनाया गया था। और शान मसूद ने यहाँ पे PSL खेला था, 10 मैच 382 रन, 88 का हाई स्कोर इनका। तो बॉलिंग में देखते थे, बॉलिंग में रिकॉर्ड कैसा है इनका। तो बॉलिंग में देखना यहाँ पे आगा सलमान विकेट नहीं लेगा, हसन अली तीन विकेट लेकर आए थे दो मैच में, और मोहम्मद नवाज ने यहाँ पे एक ही विकेट लेकर आए ODI में, T20 में विकेट लेके आया था। और नेक्स्ट यहाँ पे नसीम शाह विकेट नहीं लेके आए ODI में, और शहबाज धवन यहाँ पे दो मैच 4 विकेट लेके आए, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे धवनी को पिक करूँगा, प्लेयर अच्छा है। जाहिद मसूद ने 6 विकेट लेकर आया था PSL में, और नसीम शाह ने 8 विकेट PSL में, मोहम्मद वसीम जूनियर 9 विकेट PSL में उन्होंने भी, और मोहम्मद नवाजी 1 विकेट। तो और कोई बॉलर विकेट नहीं लेगा, तो ये था उनका स्कोर कार्ड। आप देख लेते हैं इन दोनों टीम के बीच में कोई हेड टू हेड मैच हुआ है कि नहीं, हेड टू हेड में ODI में। तो ICC में T20 वर्ल्ड कप में हुआ था उनका हेड टू हेड मैच, तो उसमें देख लेते हैं उसका स्कोर कार्ड। फर्स्ट सेमीफाइनल था, उसमें न्यूजीलैंड ने जीत ली थी, आई थिंक पाकिस्तान ने जीती थी, तो देखेंगे यहाँ पे। यस, पाकिस्तान ने जीत ली थी सेमीफाइनल में, उसमें न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए 152 रन बनाए थे, उसमें फैबिन एलन 4 रन, डिवॉन कॉनवे 21, केन एंडरसन 46 रन बनाया गया था, ग्लेन फिलिप्स 6 रन, और ड्रे मिशेल ने 53 रन बनाया गया था, और जिमी नेशन ने 16 रन। बॉलिंग में मोहम्मद नवाज 1 विकेट और शाहीन फिर 2 विकेट ले गया था। वही पाकिस्तान की बैटिंग में मोहम्मद रिजवान 57 रन बनाया गया था, बाबर आजम 53 रन, मार्कस आरिफ 30 रन, और शान मुर्शिद ने 3 रन बना के उठाया था। ट्रेंट बोल ने 2 विकेट ले गया था, और मिशेल साठा ने 1 विकेट। तो अगर ये हुआ कुछ धोनी के प्लेयर स्टैट, और धोनी को पिछले मैच का थोड़ा स्कोर कार्ड। चलो गाइस टीम देख लेते हैं, मैं ऑलरेडी टीम बना चुका हूँ, तो मैं उसको थोड़ा ऐड करके दिखाऊंगा। तो गाइस एक मैं स्मॉल टीम रखी, तो इस टाइम में मैं पहले यहाँ पे मैं 4 बैट्समैन के साथ जाऊंगा। तो पहले यहाँ पे लूँगा मैं बाबर आजम को, बाबर आजम का रिकॉर्ड देख लूँ यहाँ पे टेस्ट में, पिछले मैच उन्होंने 51 रन बनाया गया था एक मैच में, और उससे पहले मैच उन्होंने यहाँ पे देख लो 175 रन बनाया गया था, और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ 76 रन। अच्छा प्लेयर है, अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है लास्ट ODI में टेस्ट में, तो मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे उनको लूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे लूँगा मैं केन विलियमसन को, केन विलियमसन भी अच्छे बैट्समैन है, पिछले मैच 77 रन, उससे पहले 200 रन बनाया गया था, उससे पहले 94 रन इंडिया के खिलाफ, और उससे पहले 61 रन T20 में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इस मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे लूँगा मैं डिवॉन कॉनवे को, कॉनवे भी एक अच्छे बैट्समैन है, पिछले मैच 122 रन, उससे पहले 110 रन, उससे पहले 24 रन बनाया गया था, उससे पहले 59 रन T20 में, अच्छे बैट्समैन है, टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आता है, ओपनिंग भी बैट्समैन है, तो इसकी वजह से मैं इनको लूँगा। और लास्ट यहाँ पे लूँगा मैं इमाम उल्लाह को, क्योंकि पिछले मैच 94 रन टेस्ट में, उससे पहले 120, 60 और 169 रन बनाया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो बैट्स फॉर्म में आ रहे हैं लास्ट दो दिन में से, तो इसकी वजह से मैं इनको लूँगा। और यहाँ पे विकेट मैं यहाँ पे लूँगा मैं फिन एलन को, फिन एलन बहुत बड़े बैट्समैन है, पिछले मैच 78 रन बनाया था, उससे पहले 33 रन, 21 रन, 22 रन बनाया गया था। फिन एलन नहीं खेलते तो मैं उनको जगह यहाँ पे टॉम लेटन के साथ जा सकता हूँ, पर अभी के लिए मैं यहाँ पे फिन एलन के साथ जाऊँगा। यहाँ पे मैं ऑलराउंडर में दो ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा, पहले यहाँ पे मिशेल सैंटनर, पिछले मैच 2 विकेट ले गया था, उससे पहले 41 रन 2 विकेट, उससे पहले 6 डॉट बॉल, और उससे पहले 24 डॉट बॉल किया था। प्लेयर अच्छा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बढ़िया खेलता है, तो मुझे लग रहा है इस मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकता है। और नेक्स्ट स्टेप लूँगा माइकल ब्रैसवेल, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच 74 रन बना के 4 विकेट लेकर था 5 मिनट, और उससे पहले टेस्ट में 8 रन बना के 11 मिनट रन किया था, और 4 विकेट, फिर से 4 विकेट, उससे पहले 11 रन। तो प्लेयर अच्छा है, हर मैच में विकेट लेकर है, तो मुझे लग रहा है इस मैच में बैटिंग भी अच्छा खासा करके आ सकता है, और बॉलिंग से भी 1 या 2 विकेट लेके आ सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर
माइकल ब्रासल के साथ जाऊंगा। तो बॉलिंग में मैं चार बॉलर के साथ जाऊंगा। पहले आप लूँगा मैं टिम साउथी को। टिम साउथी एक बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच में टेस्ट में उन्होंने 14 मेडल रन किया था, उसमें 3 विकेट ले गए थे, उससे पहले 9 मेडल रन 3 विकेट और फिर से 3 विकेट इंडिया के खिलाफ। प्लेयर अच्छा है, लगातार हर मैच विकेट लेके आता, तो मुझे लग रहा है इस मैच में विकेट लेके आ रहा है, आ सकता है। नेक्स्ट आप लूँगा नसीम शाह को, जिन्होंने 19 रन बना के 4 विकेट लेके आया था 10 मेडल रन, उससे पहले 21 रन 5 विकेट और उससे पहले 15 डॉट बॉल, उससे पहले फिर से 8 डॉट बॉल। प्लेयर अच्छा है, ये भी विकेट लेके आ सकता है, तो इसके वजह से मैं इनके साथ जा रहा। और नेक्स्ट आप लूँगा मैं पॉकी फर्गुसन को। लॉकी फर्गुसन का रिकॉर्ड तो पिछले मैच में 4 रन बना के 2 विकेट, उससे पहले 6 रन बना के 2 विकेट, उससे पहले 13 रन और उससे पहले 3 विकेट इंडिया के खिलाफ। प्लेयर अच्छा है, विकेट टेकर बहुत है और डेथ ओवर बॉलिंग करने आता है, तो वहाँ पे थोड़ा एडवांटेज रहेगा विकेट लेने के लिए। और लास्ट टाइप में मेरा पिक रहेगा शाहबाज धानी। प्लेयर अच्छा है, इनका रिकॉर्ड देखा हूँ मैं, पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, तो फॉर्म में उतना अच्छा नहीं, पर ग्राउंड और अपोजिट टीम के खिलाफ बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करके आता, तो उसकी वजह से मैं इनको लूँगा। तो यहाँ पे मेरा कैप्टन रहेगा माइकल ब्रासवेल को, मैं कैप्टन बनाऊंगा, वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे केन विलियमसन को बनाऊंगा। तो गाइस ये मेरी स्मॉल टीम रहेगी, और आप फ्री एंट्री ज्वाइन करने के बाद जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।